दोस्तों हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 का माइलेज रन। और ये इस माइलेज रन की खास बात क्या है कि ये गाड़ी मेरी 5 साल चली हुई है, तो मैंने आज तक इस गाड़ी का कभी भी माइलेज रन किया ही नहीं। तो बेसिकली मैं अभी ये देखना चाहता था कि 5 साल चलने के बाद इस गाड़ी की क्या कंडीशन है। इसका मैं एक ओनरशिप रिव्यू भी लेके आ रहा हूँ जो जल्दी चैनल पर आएगा, और आज पहले इसका माइलेज रन करें उसके बाद ओनरशिप रिव्यू करेंगे। तो मैं एक बार दिखाता हूँ आपको गाड़ी कितनी चली है। ये देखिए मेरी बाइक 25,255 किलोमीटर चली है। हमारा ये माइलेज रन टैंक फुल टू टैंक फुल मेथड पे रहेगा। सबसे पहले पेट्रोल पर जाकर इसका टैंक फुल कराएंगे, उसके बाद इस बाइक को करीबन 50 किलोमीटर के आसपास चलाएंगे, और उसके बाद दोबारा सेम पेट्रोल पे इसका टैंक फुल कराएंगे, बिल्कुल ब्रिम टू ब्रिम माइलेज टेस्ट करेंगे। तो चलिए अब इसको पेट्रोल पंप पर लेकर चलते हैं और टैंक फुल कराते हैं। टंकी फुल कर दो। ठीक है, ये है ना, बिल्कुल इस निशान तक कर दिया। अभी आप देख सकते हैं इसका ओडोमीटर है 25,256.1 किलोमीटर। तो ये हमारा ट्रिप मीटर रहेगा, क्योंकि इसमें ट्रिप मीटर है नहीं, इसी मीटर रीडिंग को नोट करके रखेंगे। इस माइलेज रन के लिए मैंने रास्ता चुना है द्वारका से गुड़गांव सेक्टर 109 का। ये रूट मैंने इसलिए चुना क्योंकि एक तो मुझे वहाँ पे छोटा सा काम था, दूसरा ये रूट चुनने की वजह ये रही है कि इस रास्ते में हर तरह के एक्सपीरियंस हमें मिलने वाले हैं, क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन रास्ता है। इसमें हमें ऑफ रोडिंग वाला रास्ता भी मिलेगा, खाली रोड भी मिलेगा, और हमें थोड़ा ट्रैफिक में भी चलाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह से ये एक मिक्स कंडीशन की माइलेज रहेगी। बाइक अब तक चली है 25,269, यानी कि अब तक बाइक ने 14 किलोमीटर निकाले हैं। ये रास्ता मुझे वन साइड 15 किलोमीटर रहेगा, तो बैक टू बैक 30 किलोमीटर, और 10 से 20 किलोमीटर हम वापस आकर सिटी में चलाएंगे। तो ये 40 से 50 किलोमीटर की हमारी माइलेज रन रहने वाली है। लास्ट टाइम में जब इस रास्ते पे आया तो इस रास्ते की कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी जितनी आज है। मैं पहुंच चुका हूं अपने घर, और अब तक बाइक चल चुकी है 30 किलोमीटर 25,286। तो जी अपनी बाइक अब तक चल चुकी है 25,287 किलोमीटर, यानी कि इस माइलेज रन में 31 किलोमीटर हम निकाल चुके हैं। अभी लगभग 10 किलोमीटर और चलाएंगे इसको। मैंने जब कल ये माइलेज रन स्टार्ट किया तो 30 किलोमीटर पे इसको एंड कर दिया था, क्योंकि मैं जो माइक यूज़ कर रहा था उसने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, तो सारा सब कुछ गड़बड़ हो गया। तो इससे पहले की तो वॉइस ओवर करेंगे, और आज मैं मेरा माइक लेके आया हूँ। कल मेरा माइक था नहीं, मैं कोई दूसरा अल्टरनेट यूज करा था, उसने सब गड़बड़ कर दिया। अब तक इस बाइक को मैंने 30 किलोमीटर चलाया था, मैंने तो उस 30 किलोमीटर में
जो रास्ता था द्वारका एक्सप्रेस वे जाने का, वो रास्ता बड़ा ही गंदा था। सिटी माइलेजर से ज़्यादा तो वो ऑफ रोडिंग वाला रास्ता था, तो पता नहीं क्या माइलेज दी होगी क्या नहीं। मुझे नहीं लगता उसमें कुछ बहुत अच्छी माइलेज मुझे मिली होगी, क्योंकि उसमें 30 किलोमीटर में मुझे मैक्सिमम 10 से 12 किलोमीटर रास्ता ठीक ठाक मिला था, बाकी रास्ता तो रास्ता ही नहीं था। रोड सारा बनने का काम चल रहा था, तो उसमें बड़े गंदे हिसाब का मैं चला हूँ। अभी सुबह सुबह रोड पूरे खाली पड़े हैं, तो अच्छे खासे नज़ारे हैं संडे के। रोड के साइड में भी अच्छा, एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना मैं भूल गया कि ये बाइक मैं स्टॉक साइलेंसर के साथ नहीं चला रहा हूँ। ये देखिए इसमें लगा है HK इंदौरी। पिछले 3 साल से इस HK इंदौरी को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो काफ़ी अच्छा फीडबैक है इस HK इंदौरी का भी। ये होलो वाला नहीं है, इसमें पटाखे नहीं मिलते, लेकिन फिर भी ये इलीगल है, तो मैं तो रिकमेंड करूँगा नहीं कि आप लोग यूज़ करो। और मेरी तरह चोरी छिपे यूज़ करना चाहते हो तो फिर वो आपकी कॉल है, लेकिन ये बैन है, इस पे इजीली चलान हो सकता है आपका। इस HK इंदौरी की आवाज काफी कुछ पुराने बुलेट से मिलती जुलती है। अब चलती बाइक में पता नहीं आपको इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है कि नहीं, एक बार मैं पहले आपको इसकी आवाज़ सुनाता हूँ तो फिर आप बताना कि आवाज़ इसकी कैसी है। ये देखिए, थोड़ा दूर से अब पता नहीं माइक में कैसी आ रही, बाकी उसे सुनने में तो जबरदस्त है। अभी बाइक चल चुकी है पेट्रोल डलवाने के बाद 38 किलोमीटर। तो अभी चल के इसमें ना पेट्रोल फिल कराते हैं और जर्नी को करते हैं एंड, और फिर इसकी माइलेज देखेंगे कि बाइक ने मुझे क्या माइलेज दी। रोक लेते हैं यार, कई रेड लाइट जम कर दी सुबह सुबह। फुल कर दे, कल भी तूने ही डाला था, फुल कर दे ऊपर तक वही। चल ठीक है, पूरा भर गया ऊपर तक। पैसा अपना ऑनलाइन पेटीएम। तो भाई मैंने बाइक का पेट्रोल करा लिया है दोबारा से, टैंक फुल। एक बार आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए, इतना ही पहले हमने कराया था, इतना दोबारा करा लिया, तो पूरा ब्रिम तक करा लिया। किलोमीटर है 297, ये 25297। हमने स्टार्ट किया था 25256.1,
तो आपको मैं इसकी माइलेज दिखाता हूँ कि 297 माइनस 256.1 से स्टार्ट किया, टोटल किलोमीटर निकले 40.9 और पेट्रोल डलवाया हमने 0.99 जिसमें फुल हुई, तो माइलेज आई 41.31। तो आपने देखा कि मेरी इस बाइक ने 41.31 की माइलेज दी, और इस माइलेज रन के दौरान मैंने कल 30 किलोमीटर चलाया था, उसमें से कम 12-13 किलोमीटर को छोड़कर बड़ा ही गंदे रास्ते पर चलाया था, रास्ता था ही नहीं, ऑफ रोडिंग थी ऑलमोस्ट, और बाकी भी मिक्सअप कंडीशन थी। और आज जो मैंने इसको 10 किलोमीटर घुमाया वो बिल्कुल खाली रोड पे था। तो अभी जो माइलेज है ये आप मान सकते हो कि इसकी एक मिक्सअप कंडीशन में है 41 की। मुझे इस बाइक से मुश्किल 35-37 की माइलेज की उम्मीद थी। आप लोगों को क्या उम्मीद थी इस बाइक से माइलेज की, आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई। देखियो